वेलकम माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस एंड माय रोहित कुमार राजपूत। आज हम इस वीडियो में जानेंगे काइनेटिक थ्योरी में चैप्टर है आइडियल गैस। आइडियल गैस के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है बॉयल नियम का, बॉयल नियम का अध्ययन करेंगे और अणुगति सिद्धांत द्वारा इस बॉयल नियम का निगमन करेंगे। और इसके हमने ट्रिक भी बनाई बॉयल नियम को, कोई भी नियम हो हमने बॉयल नियम लिया तो बॉयल नियम को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, ट्रिक की सहायता से इसका निगमन भी करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे हंसते हंसते इस बॉयल का नियम को, और जो बॉयल का नियम बीएससी सेकंड ईयर में व्यू जहाँ से मैं समझाते रहा पूछा भी गया, इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है कम के एग्जाम में, इसका ऑब्जेक्ट आप इसके पूछे जाते हैं बॉयल के नियम से। ठीक है, तो बॉयल का नियम इसकी ट्रिक क्या है, तो बॉयल का नियम आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कहीं भी हो किसी भी जगह हो बॉयल चार्ल्स कोई भी नियम हो, हमें इस चैप्टर का ही नाम है क्या, इस चैप्टर का नाम है आइडियल गैस। आइडियल गैस वही तो होती थी जो बॉयल और चार्ल्स ताप के नियमों का पालन करती थी। तो आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं क्या, बॉयल के नियम का। तो बॉयल का नियम का आप अध्ययन करेंगे, तो बॉयल का जो नियम की ट्रिक है क्या, बीटी ट्रिक है, बीटी हमें बीटी याद करना है बॉयल के नियम में। तो बी फोर होता है बॉयल और टी फोर होता है टेम्परेचर। तो हमें मिल गया कि बॉयल के नियम, बॉयल की जो नियम, बॉयल ने जो नियम बताया आदर्श गैस के लिए उसमें क्या नियत रहता है, टेम्परेचर ताप नियत रहता है। एक इसी में ट्रिक को देखते जाएं, लिखा पी, हम एक फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते थे आदर्श गैस के लिए, पी बराबर क्या होता है आर टी। यदि हम टी को बटे में भेज दें तो पी भी बराबर क्या हो जाए, पी भी बटे में टी बराबर में आर। आर टी गैस कॉन्स्टेंट है ना, वो तो उसका मान नियत है। ठीक है, तो वो तो कॉन्स्टेंट है ना, तो पी भी बटे टी किसके बराबर हो गया, कॉन्स्टेंट के बराबर। क्या हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी वी बटी टी बराबर में क्या, कॉन्स्टेंट। तो ट्रिक ध्यान रखना पी वी बटे टी बराबर में क्या होता है, कॉन्स्टेंट। बस इसको ध्यान रखना, बॉयल का नियम बन जाएगा, बिल्कुल एकदम चिटपुट है। हमने कहा कि बी टी बी फोर बॉयल टी फोर टेम्परेचर, तो बॉयल के नियम में क्या नियत रखना है, टेम्परेचर नियत रखना है। ठीक है, तो पी वी बटे टी बराबर कॉन्स्टेंट होता है जब हम टेम्परेचर को नियत रख देंगे। जो चीज नियत हमें रखना है ट्रिक में वो देखना, जिस चीज को हमने नियत रखा है उसको इस समीकरण में छोड़ दो। हमने टी को कॉन्स्टेंट रखा तो इसको छोड़ दो, तो पी बराबर में क्या, कॉन्स्टेंट आ गया। बस यही तो बॉयल का नियम है, कितना सरल है ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सबको समझ में आ रहा होगा। ट्रिक ध्यान रखना बी टी बॉयल के नियम में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है। हम आदर्श गैस का समीकरण जानते थे पी बराबर में टी, पी वी बटे टी बराबर आर होता है, आर एक कॉन्स्टेंट है। हमने टी को कॉन्स्टेंट माना तो जिस चीज को कॉन्स्टेंट माना जाए वो हटा दो, तो पी बराबर में, तो यही तो बॉयल का नियम है। ठीक है, तो बॉयल का नियम अगर आ जाए, हमें बॉयल का नियम लिखो, तो आप बॉयल ला को किस प्रकार से याद करेंगे, पी वी बराबर में क्या, कॉन्स्टेंट। यदि इसी को एक फॉर्म ये हो गया, दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो बी रेसिप्रोकल क्या, वन पी एस बटे भेज देंगे ना, तो पी रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती, आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती, दाब के। ठीक है, तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो ताप के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बॉयल का नियम है। हम क्या लिख सकते हैं, नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से बॉयल के नियम को पढ़ा। इसका हम निगमन किसकी सहायता से करेंगे, अणुगति सिद्धांत से, जो व्यू झांसी में सन 2013 पूछा भी गया है, हम इसका किस प्रकार से निगमन करेंगे। ठीक, तो ये ट्रिक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी। ठीक है, बी टी याद रखेंगे, जो चीज कॉन्स्टेंट होती है उसको इस समीकरण से हटा देते हैं, तो पी बराबर में कॉन्स्टेंट। हमें अणुगति सिद्धांत से इसका निगमन करेंगे, हम अणुगति सिद्धांत एक मूल आदर्श गैस के लिए अणुगति सिद्धांत द्वारा आरोपित दाब जानते हैं। ठीक है, तो अणुगति सिद्धांत के आधार पर, अणुगति सिद्धांत
के आधार पर आदर्श गैस का दाब क्या होता है। पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली आप उसे देख भी सकते हैं। आदर्श गैस का दाब क्या होता है, टी बराबर में 1/3 एम एन बी स्क्वायर बार बटे में कैपिटल बी। कैपिटल बी आयतन है, पी प्रेशर है, जो अर्धमात्र मूल्य है, ये अणु की संख्या है, ये एक अणु का द्रव्यमान है। हमें चलना है पी बी बराबर कॉन्स्टेंट की ओर, तो इस बी को इस बी को पी की साइड लाओ तो पी बी आएगा, तो पी बी बराबर क्या 1/3 एम एन बी स्क्वायर बार। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ताप की अवधारणा में, कि जो गैस की अणु की प्रति मात्र गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा तो 1/2 एम बी स्क्वायर होता है ना, इसमें 1/2 अभी कहा उसको लाओ कहीं से, तो एक 1/2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, कोई दिक्कत इस प्रकार से। ठीक, काटेंगे तो वही तो आ जाएगा जी। हम ताप की अवधारणा में कर चुके हैं कि जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है ना वो किसके समानुपाती होती है, ताप के समानुपाती। ये हम समानुपाती का चिन्ह लगाएं और कोई कांस्टेंट लगा दें, क्या कोई कांस्टेंट हमने लगा दिया, हमने कांस्टेंट लगा दिया एल भट्टी, तो जो 1/2 एम बी स्क्वायर बार की जगह क्या लिख दो एल भट्टी, तो क्या आ जाएगा पी बी बराबर में 2/3 एम एल भट्टी। ठीक है, एल भट्टी आ गया, हम इसे जो 2/3 एन एन अणु की संख्या भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। ठीक है, और टी तो पहले से बायल के नियम में क्या कांस्टेंट रखना, टी। ठीक है, तो पी बी बराबर में कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, हमें यही तो निर्माण करना था। यदि इसे बटे के रूप में भेजना चाहो तो बी रेसिप्रोकल 1/p। एक बार दोबारा देख लेंगे, अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस का दाब पी बराबर 1/3 एम एन बी स्क्वायर बार बटे बी। बी स्क्वायर बार गैस के अणु का वर्ग माध्य वेग है, कैपिटल बी आयतन है, पी दाब है। ठीक है, हमें पी भी भैया लाना था, तो हमने इस बी को पी साइड भेज दिया। हम सोच रहे इससे पहले वाले हमने वीडियो में निगमन किया था जो गैस के अणु की प्रति माध्य गतिज ऊर्जा थी गैस के परम ताप के समानुपाती थी, तो 1/2 होता है गतिज माध्य गतिज ऊर्जा में, तो 1/2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग करेंगे तो भैया आएगा। ठीक है, इसका हम निगमन पीछे किया था कि ताप के समानुपाती होता, हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, हमने समानुपाती एक कांस्टेंट ले लिया अल्फा, इसकी जगह अल्फा टी रख दिया, ये पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो और टी भी बायल के नियम में कांस्टेंट होता तो पी बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हिंदी में से नितांग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बायल का नियम का निगमन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सबको समझ आया होगा, कृपया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।